तो दोस्तों फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है और आपको सभी प्लेटफॉर्म पे सेल देखने को मिलने वाली है। अगर फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल आने वाली है, वहीं अमेजन की भी अमेजन ग्रेट इंडियन सेल 23 सितंबर से शुरू हो जाएगी और फ्लिपकार्ट भी उसके आसपास ही शुरू होने वाली है। और यहाँ पे अगर आप स्मार्टफोन बाय करने का सोच रहे हैं, चाहे फिर एंड्रॉयड हो या फिर आईफोन हो, तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे डिस्काउंट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपको बैंक डिस्काउंट वगैरह भी देखने को मिलने वाले हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप बेस्ट डील जो आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से ग्रैब कर सकते हो। सो अगर आप एक स्मार्टफोन बाय करने के सोच रहे हैं तो ये वाली वीडियो आप ही के लिए होने वाली है, वीडियो को पूरा देखिए। चलिए पहले फ्लिपकार्ट की बात नहीं करते हैं, पहले अमेजन की बात कर लेते हैं। तो अमेजन पे आपको हर साल ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल देखने को मिल जाती है, जो कि 23 सितंबर से इस बार शुरू होने वाली है और यहाँ पे आपको स्मार्टफोन पे अच्छे डिस्काउंट मिलने वाले हैं। वहीं अगर बैंक डिस्काउंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 10% का SBI कार्ड के पे डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या फिर डेबिट कार्ड है, तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। बात करें स्मार्टफोन के तो यहाँ पे आपको ओप्पो की तरफ से हाल ही में लॉन्च हुआ ओप्पो रेनो 8 पे अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। रेनो 8 प्रो पे भी आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, वो वाला स्मार्टफोन आपको 40,000 रुपये के आसपास पड़ने वाला है। वहीं अगर हम बात करें आइकू के कुछ स्मार्टफोन की, तो आइकू 90 जो कि 50,000 का लॉन्च हुआ था, वो वाला स्मार्टफोन भी आपको 40,000 से 45,000 रुपये के बीच में देखने को मिल जाएगा इस वाले सेल में। सो अगर आप एक बेस्ट परफॉर्मेंस वाले स्मार्टफोन देख रहे हैं, जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को ना मिले, तो आप आईकू 90 खरीद सकते हैं। वैसे आईकू 90 का हमने एक डेडिकेटेड अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो चैनल पे डाला हुआ है, अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो उस वाली वीडियो का लिंक भी आपको आई आइकन में मिल जाएगा। बात करें आईकू नियो 6 की, तो ये वाले स्मार्टफोन पे भी आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। वैसे रेगुलर प्राइस इसका 30,000 रुपये के आसपास है, लेकिन सेल में ये आपको 23,000 to 24,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। बात करें कुछ आईफोन्स के, तो यहाँ पे अमेजन पे आईफोन 12 पे भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। प्राइस अभी रिवील नहीं हुई है, जैसे ही रिवील होती है तो हम आपको अपडेट ज़रूर कर देंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ये थे अमेजन पे कुछ डिस्काउंट जो आपको देखने को मिल जाएंगे स्मार्टफोन पे। मैंने कुछ स्मार्टफोन सेलेक्ट करे हैं, जो टॉप स्मार्टफोन है वही सेलेक्ट करें। बात करें फ्लिपकार्ट की, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे भी 23 सितंबर के आसपास से शुरू हो जाएगी और यहाँ पे आपको भयंकर डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। चलिए पहले बात कर लेते हैं एंड्रॉयड स्मार्टफोन की। तो यहाँ पे अगर आप रियलमी की तरफ से आने वाले कुछ स्मार्टफोन को परचेज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। रियलमी 9 प्रो और 9 प्रो प्लस पे आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें रियलमी GT 2 प्रो की, जो कि 50,000 का लॉन्च हुआ था, ये वाला स्मार्टफोन आपको 33,000 to 34,000 में देखने को मिल जाएगा इस वाले सेल में। बात करें कुछ और स्मार्टफोन के, तो यहाँ पे आपको पिक्सल 6 है, जो कि 44,000 के आसपास मिलता है, ये वाला स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ आपको 27,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। वो कैसे मिलने वाला है, क्योंकि इसमें आपको फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है, जिससे इसका प्राइस 34,000 हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रीपेड डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा 3,500 रुपये का, और 3,500 रुपये का आपको बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिलने वाला है। फ्लिपकार्ट पे आपको ICICI और एक्सिस बैंक दोनों ही बैंक के कार्ड पे डेबिट और क्रेडिट पे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो ये वाला स्मार्टफोन आपको 27,000 का पड़ सकता है। बात करें नथिंग की तरफ से, हाल ही में लॉन्च हुआ नथिंग फोन 1, उस पे भी आपको काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ये वाला स्मार्टफोन भी आपको 28,000 के आसपास पड़ने वाला है। वैसे आपको और भी बहुत सारे डिस्काउंट मिल जाएंगे स्मार्टफोन पे, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस लिंक पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे स्मार्टफोन मिल जाएंगे जिन पे आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं आईफोन्स की, तो आईफोन पे आपको कितना डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। सो अगर आप आईफोन खरीदने का सोच रहे हैं तो इस सेल में आप खरीद लीजिए, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं आईफोन 11 की, तो आईफोन 11 आपको पड़ने वाला है 34,000 to 35,000 के आसपास मिल जाएगा। वैसे अभी ये 40,000 to 45,000 के आसपास मिलता है, ये सेल में आपको 35,000 का मिल जाएगा। बात करें आईफोन 12 की, तो आईफोन 12 अभी आपको 55,000 के आसपास मिलता है, लेकिन सेल में ये आपको मिलने वाला है 44,000 के आसपास। सो अगर आप आईफोन 12 लेना चाहते हैं तो आप 44,000 में ले सकते हैं। ये वन ऑफ दी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आईफोन है जो आप अभी के टाइम पे खरीद सकते हो। बात करें लेटेस्ट स्मार्टफोन की, मतलब जो पिछले साल आईफोन लॉन्च हुआ था आईफोन 13 की, तो आईफोन 13 आपको मिल सकता है 54,000 to 55,000 के आसपास। सो अगर आप एक लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहते हैं तो आप आईफोन 13 खरीद सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि आईफोन 13 और आईफोन 14 जो अभी लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले, दोनों ही सिमिलर है, ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। इंटरनल दोनों के सेम है, कैमरा दोनों के सेम है, डिस्प्ले दोनों के सेम है, दोनों का प्रोसेसर सेम है, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। सो आप आईफोन 14 मत लीजिए, इसका प्राइस 80,000 इन्होंने रखा हुआ है, उसको स्किप करके आप आईफोन 13 ले सकते हैं
और आईफोन 14 के ऑलमोस्ट सारे ही फीचर आपको आईफोन 13 में भी मिल जाएंगे। सो दोस्तों आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप कौन सा वाला स्मार्टफोन खरीदने वाले सेल में। वैसे मैं अभी आईफोन 13 की तरफ देख रहा हूँ, तो देखते हैं किस प्राइस पॉइंट पे आने वाला है। सो दोस्तों यही थे कुछ स्मार्टफोन जो आप फ्लिपकार्ट और अमेजन की आने वाली सेल में खरीद सकते हैं। सो गाइस यही थे इस वीडियो में, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस टाइप का कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए #OKBYNBSAFE।